हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो है माल्टा कंट्री के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, माल्टा बहुत सुंदर कंट्री है, मैं खुद वहाँ जा चुका हूँ दो बार, मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग जो माल्टा जाना चाहते हैं ऐसे टूरिस्ट पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, उन्हें पहले ये पता होना चाहिए कि माल्टा है क्या। अब देखिए, माल्टा जो है ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, कंसिस्ट ऑफ मेन आइलैंड माल्टा एंड द स्मॉलर आइलैंड्स ऑफ गोजो एंड कोमिनो। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जिस भी कंट्री में काम करने जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेके जाइए, क्योंकि अगर आप जानकारी लेके जाएंगे, कल को आप वहाँ के लोगों से बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो अगर आप जानकार होंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपकी पहचान, लोग आपको पहचानेंगे और उससे यू नो, आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये आगे क्या लिखा है। द कंट्री कवर्स एन एरिया ऑफ 316 किलोमीटर स्क्वायर, कंपेयर इट इज़ अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ वॉशिंगटन DC एंड वुड फिट इन टू लग्जमबर्ग 8 times। माल्टा इज द पॉपुलेशन ऑफ, देखिए 515,000 लोग वहाँ पे रहते हैं। देख रहे हैं 515,000, बहुत ही कम लोग रहते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कितनी बढ़िया है। अब देखिए और क्या क्या है, देखिए जनरल फैक्ट्स अबाउट माल्टा हम देखेंगे। वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्रीज है ये, ठीक है। द फर्स्ट प्लान्ड कैपिटल सिटी इन यूरोप है ये। माल्टा वॉज अवॉर्डेड द जॉर्ज क्रॉस, मोर टूरिस्ट दैन रेजिडेंट, मतलब आप सोचिए यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं रेजिडेंट से कंपैरिजन में। लेफ्ट हैंड ड्राइव है माल्टा में, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है माल्टा की। हिस्टोरिकली यह क्रिश्चियन कंट्री है, वंस कंट्रोल्ड बाय द नाइट्स ऑफ सेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं क्या क्या माल्टा में फेमस है, हिस्टोरिक साइट्स हैं। डिस्पाइट बींग लॉक्ड अवे बाई द रेजिंग टाइड्स ऑफ मेडिटेरियन, माल्टा हैज़ बीन होम टू काउंटलेस सिविलाइजेशन ऑफ मिलेनिया। ग्रेट वेदर, फैंटास्टिक बीचेस एंड प्रिस्टीन सी वाटर, डिलीशियस लोकल क्यूजीन, फिल्मी लोकेशन है, विजिट माल्टा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को क्या क्या जानना चाहिए हम जानेंगे, हम इस पर खोलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आएंगे हम टॉप 37 फैक्ट्स, ये देखिए क्या क्या है, अब हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या है यहाँ पे, ये देखिए पूरी यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में दी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है माल्टीज एंड इंग्लिश, करेंसी है यहाँ पे यूरो, ठीक है। माल्टीज लीरा थी पहले, अब यूरो हो गई है 1 जनवरी 2000 से। वेदर यहाँ पे 23 टेम्परेचर रहता है, कैपिटल इसकी वलेटा है। रिलीजन देख सकते हैं रोमन कैथलिक है, नंबर ऑफ चर्चेस कितने हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। बैंक्स की डिटेल है यहाँ पे, ATM कहाँ कहाँ है ये देखिए फ्रेंड्स। ड्रिंकिंग टेप वाटर इज सेफ, मतलब वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो टेप वाटर आप वहाँ पी सकते हैं। टेप वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग लिखा है। शॉपिंग आर्ट्स में वेरी, ट्रैफिक एंड डाइविंग में भी डिफरेंट टू वॉट इन द माल्टीज आर नोट टू बी फ्रेंडली, मतलब वहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए माल्टा टू गोजो, मैंने आपको बताया गोजो और कोमिनो दो जो आइलैंड है, मैं खुद गोजो गया हूँ, बहुत ही प्यारी जगह है फ्रेंड्स, आपको भी जाना चाहिए कभी जाएंगे तो। आप ये पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपकी जानकारी से बढ़ेगी, पक्का पढ़िएगा उसको। ये देखिए द माल्टीज पीपल लव देयर कार्स, आप देख रहे हैं इतनी सारी व्हीकल वहाँ रजिस्टर हुई हैं आप देख सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी माल्टा इज अ पॉपुलर फिल्मिंग लोकेशन, बिग बजट प्रोडक्शंस काफ़ी। देखिए ग्लैडिएटर, वर्ल्ड वॉर जेड एंड कैप्टन फिलिप्स एज वेल एज TV सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सब यहाँ पे शूट हुए हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी है, बट ओनली 2 पार्टीज डिवाइड ऑल सूट्स इन पार्लियामेंट, ये भी देख सकते हैं। कांग्रेस ये नेशनलिस्ट पार्टी एंड लेबर पार्टी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। द नेम माल्टा मे हैव कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेलीट से आया है। स्प्रिंग हंटिंग स्टिल लीगल इन माल्टा, वाओ। ऑपोजिशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माल्टीज कल्चर, ये देखिए माल्टा इज होम टू 10 UNESCO World Heritage Sites, बाप रे 10 हैं सोचिए आप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, माल्टा में यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा भी है, तो जो लोग पढ़ने आते हैं उनके लिए भी अच्छा है। माल्टा नोन 11 foreign rulers फ्रेंड्स। देखिए तो ये है माल्टा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप वहाँ जा रहे हैं किसी भी मकसद से, तो आप जानिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कुछ जाना है तो मुझे पक्का बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।